हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम आए हैं भाई मेस्सी की एजेंसी, मेस्सी फर्गुसन की एजेंसी पे बड़ो। तो दोस्तों देख सकते हैं जी, मेस्सी फर्गुसन का 241 ट्रैक्टर गुड़ियर के टायर के साथ में 616 के फ्रंट टायर और पिछले टायर इसमें आते हैं जी 13628 के। पीछे रोटावेटर लगा दिया, पूरी जानकारी देंगे, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना दोस्तों। सबसे पहले बात करें तो इस 241 में देख सकते हैं आपका भाई फ्रंट में बम्पर आ गया है और इस अपना मैनुअल स्टीयरिंग के साथ में आता है ट्रैक्टर। देख सकते हैं भाई डबल क्लच के साथ में ट्रैक्टर है। देख सकते हैं सीट कितनी मजबूत लगा गया, बढ़िया बेहतरीन। सेंटर गियर के साथ में ट्रैक्टर आता है। तीन सिलेंडर बोस का देख सकते हैं, बोस कंपनी का पंप दिया गया है, इनलाइन पंप दिया गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे वाटर सेपरेटर दिया गया है। और दोस्तों ये ट्रैक्टर जो कि भाई एक मतलब दो रिवर्स और पाँच दुनी दस फॉरवर्ड के साथ में आता है। देख सकते हैं इसका मीटर देख सकते हो वहाँ पे किस तरह की कंडीशन है। यहाँ पे पीटीओ की बात करें तो दोस्तों इसमें LPTO, GS PTO, MS PTO, मल्टी स्पीड PTO, ग्राउंड स्पीड PTO, जो लाइव PTO दोस्तों दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये जो कि इसकी ब्रेक दी गई है, हैंड ब्रेक जो बोल सकते हैं हम, जो सीट दी गई है एडजस्टेबल दी गई है, ऊपर है हाइड्रोलिक लीवर लिफ्ट कंट्रोल के लिए दिया गया है। पीछे दिखाता हूँ दोस्तों इसको, देख सकते हैं पीछे का हिस्सा है जो है बहुत ही मजबूत किया गया है और ऑयल ब्रेक के साथ में दोस्तों ट्रैक्टर होता है। पीछे जो है गरुड़ प्लस का रोटावेटर है भैया 7 फीट का। इसके बाद में आता है दोस्तों भाई मेस्सी फर्गुसन का 855 जो कि बोस नाम से भी कंपनी ने अभी लॉन्च किया है 2023 में। देख सकते हैं फ्रंट टायर देख लो कितने बड़े बड़े टायर के, डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है दोस्तों। इसमें अपोलो के टायर आते हैं भाई 750-16 के। और यहाँ पर देख सकते हैं भाई इंजन की बात करें तो भाई इसमें आता है 3 सिलेंडर और उसका इनलाइन पंप के साथ में आता है। ये वाटर सेपरेटर देख लो, ये इधर डीजल फिल्टर लगे हुए हैं। सस्पेंडेड टाइप ये देख लो, ब्रेका और क्लच दोनों आते हैं। हीट गार्ड के साथ में ट्रैक्टर आया है देख सकते हैं आप। और डबल स्टेप है, एक स्टेप ये और दूसरा स्टेप इस पर है। उसके साइड शिफ्ट ट्रैक्टर है दोस्तों देख सकते हैं। पिछले टायर की कंडीशन वो दिखा बताता हूँ आपको, नंबर कौन सा दिया गया। अपोलो के टायर है 14928 के देख सकते हैं आप दोस्तों। ऊपर चल के हम बात करते हैं दोस्तों एक बार इसकी। तो दोस्तों हम गद्दी पाने के बाद में पता चलता है भाई, यहाँ पर देख सकते हो ये डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ में है। इधर ये रेस है दी गई है और यहाँ पर साइड शिफ्ट के साथ में ट्रैक्टर है देख सकते हो। लो और हाई के साथ में ट्रैक्टर आता है। इधर ये अपने 4 फॉरवर्ड हो गए, 1 रिवर्स हो गया, हाई लो को लगा कर 2 हो जाती हैं। इसके बाद में यहाँ पे आप ड्रॉप कंट्रोल हाइड्रोलिक को कंट्रोल कर सकते हो दोस्तों। तो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं भाई यहाँ पे केजी सेंटीमीटर इसका जो भी दिया गया है। इसके बाद में बैटरी का, इसके बाद में 3000 RPM का जो मीटर दिया गया है RPM का, इसमें इधर टेम्परेचर है, इधर फ्यूल का दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर देख लो इसका इस तरह की कुछ मोड दिए गए हैं इसमें। यहाँ पर बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है भाई बोस का 855 जो कि बहुत ही हैवी ट्रैक्टर है दोस्तों। पीछे देख सकते हैं इधर इस तरह का कुछ, और यहाँ पे इसके जो भी ग्रीसिंग पॉइंट के बारे में भी दर्शाया गया देख सकते हो आप वीडियो को पॉज करके या फिर देख सकते हो आप जिस तरह के भी। तो दोस्तों जो ट्रैक्टर है भाई रिवर्स और फॉरवर्ड PTO के साथ में आता है। देख सकते हैं यहाँ पे इसका गियर लीवर दिया गया है। इसके बाद में आता है दोस्तों मेस्सी फर्गुसन का 1030 GI। पिछले टायर तक बहुत छोटे से दिखाई दे रहे हैं, देखते हैं कौन सा नंबर है इनका भाई। ये तेजी पता नहीं क्या लिख रहा है, आयुष्मान कंपनी के टायर है दोस्तों। नंबर कहाँ है भाई इसका, 12028 का टायर है दोस्तों। और फ्रंट टायर इसके 616 के है, आयुष्मान कंपनी के महाशक्ति। और ये अपना नॉर्मल वही आता है जो पहले आता है 1030। देख सकते हैं अपने हाई लो के साथ में ट्रैक्टर आता है, चार के इलाके के और एक पिछला बैक का। यहाँ पे इसे देख सकते हैं जो कि लिफ्ट लीवर अपना लिफ्ट को कंट्रोल करने के लिए, ये देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाते हो इसका। देख सकते हैं इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ट्रैक्टर का। आगे जो कि ये बम्पर दिया गया है दोनों, वही पुरानी लुक के साथ में ट्रैक्टर आता है दोस्तों महाशक्ति। और इसके इंजन की बात करें तो दोस्तों भाई वो उसका इनलाइन पंप के साथ में
तीन सिलेंडर इंजन और तय वाटर सेपरेटर, साइलेंसर देखो कितना मस्त होगा। इधर वही वही जिस तरह मैसी फर्गुसन से भी ट्रैक्टर आते हैं उसी तरह का है ये, अपना पीटीओ वगैरह है, उसके बाद में ये नॉर्मल जो आता है ये फेंडर वेंडर देख लो काफ़ी मजबूत दे रहा है, अपना ऐसे हिलते विलते नहीं दोस्तों। इसके बाद में वही आता है मैसी फर्गुसन का 241, वही नॉर्मल सब स्टेयरिंग में आता है, 616 का फ्रंट टायर है, 1326 के पिछले टायर है, देख सकते हो आप काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त ट्रैक्टर है मैसी के जो कि खेती में बहुत ही बढ़िया चलते हैं, क्योंकि अपना ये लो क्या कहते हैं कल्टीवेटर चलाने के लिए लिफ्ट की सेंसिंग बहुत ही फास्ट होती है इसकी दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं फास्ट लिखा हुआ और डाउन पोजीशन जो कि लिफ्ट के बारे में दिए गए हैं, और इसके गियर की बात करें तो चार फॉरवर्ड और एक रिवर्स और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहा हूँ दोस्तों इसका इस तरह का है। अगर दोस्तों आपको ये ट्रैक्टर खरीदने हो तो आप मैसी की एजेंसी से जुड़ो, ताकि तो ये सभी ट्रैक्टर 2023 मॉडल है, आगे से भी ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। धन्यवाद।